तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हो आप? सर हम नागपुर महाराष्ट्र वर्धा। तो कितनी बार आ चुके हो यहाँ? ये चौथी बार है सर। इससे पहले आप कब आए थे, कितने दिन पहले आए थे? अभी आया था मैं 4 महीने पहले, अपना खाटू का मेला था फागुन का तब। अच्छा, कुछ लोग हैं जो खाटू श्याम जी के दर्शन तो बार बार करने के लिए आते हैं लेकिन वो यहाँ नहीं आ पाते, उनसे क्या कहना चाहोगे? मेरी सभी श्रद्धालुओं से एक विनंती है कि पिताजी के पास तो जा ही रहे हो, माता जी के पास में भी आए। माँ और बाप के सिवा कुछ भी अधूरा है, हर ये जीवन जो है माँ बाप के सिवा बिगर अधूरा है। तो पहले माँ और पिताजी की सेवा जरूर है, उनका आशीर्वाद लेने। जिस तरीके से अपन अपने बाबा को अपन पिता मानते हैं, उसी तरह माता जी को अपनी माँ मानकर माँ और पिता का दोनों का आशीर्वाद लेके इस जगह से पावन भूमि से निकले दर्शन कर। आप कितनी बार आए हो? मैं पहली बार आ रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको, दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन हो गए। दर्शन करने के दौरान कोई आपको कोई दिक्कत कैसे भी? नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। कैसा माहौल है यहाँ? अच्छा है, बहुत अच्छा है। श्रद्धालु नहीं आ पाते हैं जैसे कि खाटू श्याम जी के दर्शन तो करके वो वापस चले जाते हैं, यहाँ नहीं आ पाते, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए। देखिए, इन्होंने भी बताया कि अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आपको झीड़ माता के मंदिर पर भी आना चाहिए, 23 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, बोले सांचे दरबार की जय। और ये हमारे साथ हमारे चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये हम पूरी टीम पहली बार यहाँ झीड़ माता के मंदिर पर आई है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और सुकून महसूस हो रहा है, जो होना चाहिए वो चीज़ है। खाटू श्याम जी के मंदिर पर पूरी टीम हमारी पहली बार आई है, आप भी पहली बार आए हो, खाटू श्याम जी के दर्शन करके आपको कैसा लगा और वहाँ का माहौल कैसा है? वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और इतना अच्छा है कि जो कहने के लायक शब्द भी नहीं है आगे के लिए। कितनी भीड़ थी जब आपने दर्शन किए थे उस समय? तकरीबन 1.5 से 2 हज़ार आदमी थे उस टाइम पर। तो दर्शन करने के जो भी नियम हैं मंदिर संस्थान की ओर से, जो भी नियम बनाए हैं, वो व्यवस्था जो कर रखी है उन्होंने, कैसी व्यवस्था थी, आपको उसमें कुछ कमी लगी या उनमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, क्या कहना चाहोगे? व्यवस्था बहुत अच्छी थी, वो भी नियमों का फॉलो कर रहे हैं और COVID-19 का भी पालन करा रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है और बहुत अच्छा, मतलब वो नियमों का पालन करा रहे हैं। जैसे कि हमने नोटिस किया है कि खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए पूरे भारत में से अलग अलग जगहों से काफ़ी श्रद्धालु काफ़ी संख्या में आते हैं, लेकिन वो यहाँ झीड़ माता का मंदिर है 23 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ नहीं आते हैं वो, क्योंकि यहाँ के बारे में, इस मंदिर के बारे में उन्हें पता नहीं रहता है। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो पता भी नहीं रहता है, फिर दूसरी चीज़ यहाँ का जो रास्ता है बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता है, इस वजह से हर इंसान आने के इच्छुक नहीं रहता है। लोकलिटी ही यहाँ पर आती है जाती है, लेकिन बाहर का इंसान नहीं आ पाता क्योंकि उसके लिए ऐसी सुविधा पर्याप्त नहीं है कि जिस आधार से वो आ सके। जैसे कि अब दिनों दिन काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की और आपने बताया रास्ता थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो राजस्थान सरकार से क्या कहना चाहोगे? राजस्थान सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो भी प्राचीन मंदिर हैं और वहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है, तो उनकी रोड की, पानी की और ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। तो देखिए, अभी ये मंजीत चौधरी साहब ने हमें बताया, हमारी टीम पहली बार खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आई, काफ़ी अच्छा लगा, मुझे भी पर्सनल काफ़ी अच्छा लगा, मंदिर की काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, दर्शन करने के जो भी नियम थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, सभी श्रद्धालुओं को बड़े ही अच्छे से दर्शन कराए जा रहे थे, ऐसी मंदिर परिसर की तरफ से काफ़ी अच्छे इंतजाम थे। और यहाँ पर 23 किलोमीटर की दूरी पर झीड़ माता का मंदिर है, यहाँ भी आए तो यहाँ भी दर्शन काफ़ी अच्छे से हुए, हालाँकि यहाँ तो भीड़ काफ़ी कम है लेकिन नवरात्रों के समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि यहाँ मेला लगाया जाता है, तो उस समय काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और काफ़ी भीड़ होती है। और यहाँ पर हमारे साथ दुकानदार भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि यहाँ पर रेट वेट क्या है। भैया क्या नाम है आपका? कुलदीप हैं। कुलदीप शर्मा। अच्छा अच्छा, तो झीड़ माता का मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर है और खाटू से हमसे 23 किलोमीटर की दूरी पर है ये, श्रद्धालु यहाँ काफ़ी संख्या में काफ़ी मात्रा में आते हैं। तो यहाँ आपकी किसकी दुकान है ये? फैंसी स्टोर, खिलौना वगैरह सब है। क्या रेट वेट, मतलब नॉर्मल जो बाज़ार में जो बाजार से कम मिलेगी? बाज़ार से कम मिलता है। कितने लोग यहाँ लगभग एक दिन में कितने श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ जाते हैं? खूब आते हैं। क्या नाम है दुकान का आपका? जीन फैंसी स्टोर। जैसे कि खाटू श्याम जी के मंदिर पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं लेकिन वो यहाँ नहीं आ पाते, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? काफ़ी संख्या में आते हैं वहाँ पर लेकिन यहाँ इतनी संख्या नहीं है श्रद्धालुओं की, उनके लिए क्या कहना? बीस। हाँ जी, उनके लिए क्या कहना चाहोगे?
नहीं, सब लोग आते जैसे कि खाटू श्याम जी के मंदिर पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, वो यहाँ नहीं आ पाते भी आए, यहाँ कम आते हैं, नहीं आ पाते यहाँ के बारे में, उन्हें पता नहीं है, क्या कहना चाहोगे? आने चाहिए। क्या नाम है दुकान का? जीन फैंसी स्टोर। जीन फैंसी स्टोर है इनकी दुकान का। और ये बच्चों के खिलौने वगैरह और जो भी सामान होता है, कड़े वगैरह, मालाएँ वगैरह, बच्चों के छोटे बच्चों के आइटम, वो यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। थोड़ी रेट यहाँ पर हाई है, इन्होंने तो बताया कि नॉर्मल है, नॉर्मल तो नहीं है, रेट तो काफ़ी हाई है यहाँ पर, लेकिन यही है कि तीर्थ स्थल का यहाँ पर फ़ायदा उठाया जाता है। हमारे साथ और भी काफ़ी श्रद्धालु मौजूद है। कहाँ से आए हो आप, किस जगह से आए हो? हम साकू से आए हैं, जिला सीकर। कितनी दूर है आपका घर यहाँ से? लगभग 70 किलोमीटर। तो कितनी बार आ चुके हो आप यहाँ? हम काफ़ी बार आ चुके हैं यहाँ। जैसे कि हमने नोटिस किया है कि खाटू श्याम जी के मंदिर पर काफ़ी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं आ पाते, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्या? जैसे कि खाटू श्याम जी के मंदिर पर काफ़ी भी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहाँ जीड़ माता के मंदिर के बारे में उन्हें पता नहीं रहता है, इसलिए वो दर्शन करने के लिए यहाँ नहीं आ पाते, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनको पता नहीं रहता, लेकिन उनको भी आना ज़रूरी चाहिए, आना चाहिए। हाँ, देखिए यहाँ पर लोकल के हैं और ये 70 किलोमीटर की दूरी से यहाँ पर आए हैं, काफ़ी बार आ चुके हैं, क्योंकि ये लोकल में इनके रहता है तो इन्हें इस मंदिर के बारे में अच्छे से पता है, जिसकी वजह से यहाँ बार बार आ जाते हैं। लेकिन काफ़ी यहाँ पर अभी भी हज़ारों की संख्या में काफ़ी भीड़ है। हमारे साथ अंकल जी भी मौजूद हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? त्रिलोकचंद शर्मा जी। यहीं से हो क्या आप? हाँ जी, यहीं से हो क्या? नहीं, नारनौर से जी। कितनी दूर है आपका यहाँ से निवास स्थान? 100 किलोमीटर ज़्यादा पड़ गया। अच्छा, कितनी बार आ चुके हो आप यहाँ? हम तो सर यहाँ पर आते ही रहते हैं। आते रहते हो। तो जैसे कि हमने नोटिस किया है कि खाटू श्याम जी के मंदिर पर तो काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं आ पाते हैं, या तो हो सकता है कि उनके जीड़ माता के मंदिर के बारे में पता नहीं है, या फिर यहाँ पर ऐसा कुछ अलग है, या वो श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आए? या जो भी श्रद्धालु आते हैं, जैसे मैं जीड़ माता के आया हूँ, मेरा हुक्म जीड़ माता का था, मैं खाटू श्याम जी का दर्शन, मैं घर से चलता हूँ। जैसे मन में जो आदमी धारणा करता है कि भाई आज तो खाटू श्याम जाना, तो खाटू श्याम जी जाना है, तो जीण माता जाना, तो जीण माता के जाना। जैसे कि नवरात्रों के समय यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि मेला यहाँ लगाया जाता है, लेकिन कोविड की वजह से पिछले 2 साल से नहीं लगाया जा रहा है, तो उस समय काफ़ी भीड़ होती है, तो सरकार की तरफ से क्या इंतजाम रहते हैं यहाँ? सर ये तो आप सिक्योरिटी वगैरह सरकार की तरफ से लगाई जाती है, सरकार का थोड़ा यहाँ कोई डेवलपमेंट पर कुछ ध्यान है या नहीं? नहीं, वहाँ पर होता है, ऐसी बात नहीं है, वहाँ हम जब भी आते हैं मेले के टाइम पर भी प्रशासन रहता है। जैसे कि यहाँ पर दिनों दिन यहाँ की जीड़ माता की मान्यता भी बढ़ती जा रही है, लोकल में तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी दूर दराज से भी लोग यहाँ आने लग रहे हैं धीरे धीरे, तो प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहोगे, खासकर राजस्थान सरकार से? पहले तो देखो, मैं तो 2 साल में आया हूँ, लॉकडाउन लग रहा था ना, इस वजह से कोई कह रहे थे भाई वहाँ जाना नहीं, कोरोना का चक्कर है, इसलिए लोगों के मन में भी थोड़ा सा वो हो गया था, इसलिए फिर हमने देखा अपने साधन से भी आने लगे, तो फिर भी उसमें रुक जाते थे कि भाई वहाँ टेस्ट कराओ, फलाना कराओ, आप ऑनलाइन जैसे वो करो, और कुछ तो कन्फ्यूज में रहते थे दर्शन के लिए भी। हम यहाँ पर कई बार फ़ोन करते थे, नोल जी यहाँ अभी चले नहीं है, आप घर पर। तो यहाँ पर अंकल जी काफ़ी, इनका जो निवास स्थान है 100 किलोमीटर की दूरी से यहाँ आए हैं और काफ़ी बार आ चुके हैं, काफ़ी यहाँ मान्यता है लोकल में तो जीड़ माता मंदिर की, और यहाँ पर दर्शन भी काफ़ी अच्छे से हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो आप भी यहाँ अगर कभी भी खाटू श्याम जी के मंदिर पर काफ़ी दूर दराज से आते हैं, तो 23 किलोमीटर की दूरी पर जीड़ माता का मंदिर है, तो मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी यहाँ आइए, काफ़ी मान्यता है यहाँ पर, माता जी के दर्शन कीजिए और काफ़ी आराम से आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और ख़ासकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ दर्शन करने के लिए ना तो आपको कोविड सर्टिफिकेट यानी वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना कोई कंपलसरी नहीं है, और ना ही आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे खाटू श्याम जी पर दर्शन करने के लिए पहले बुक करना होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आराम से आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी और भी यहाँ पर श्रद्धालु, उनसे भी बात कराएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।